स्वागत है फ्रेंड्स तहसीन लेटेस्ट अपडेट्स में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के बीएससी बीए बीकॉम के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट शुरू से लास्ट तक देखना और जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है purniayunivercity.org, इसे लिख के इसको सर्च कर देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू इंटरफेस खुल गया है। उसके बाद आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यूजी एडमिशन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी अंडर ग्रेजुएट, यहाँ क्लिक करना। अब जैसे ही आपका न्यू इंटरफेस खुल गया है तो आपको जो जो चीज़ करने के लिए बोल रहा है दोस्तों उस सब चीज़ को भरना है आपको। तो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और 12वां पासिंग ईयर देना है, उसके बाद 12th एग्जामिनेशन रोल नंबर है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हैं रोल कोड देना है, री इंटर विथ रोल कोड एंड रोल नंबर, आपको दोबारा से यहाँ पे री इंटर करना है दोबारा। उसके बाद नीचे में आपको कैप्चा दिखेगा, ये वाला कैप्चा को जो है ये वाला कैप्चा को आपको नीचे फिल करना है। और चाहे तो आप कैप्चा अगर समझ में नहीं आया तो इससे आप चेंज कर सकते हैं, नीचे में यस यस करके प्रोसीड टू फॉर्म में क्लिक मारना है। तो मैं आपको लाइव डेमो के साथ अभी भर के अपना जो है बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं सारा जो है बॉक्स फिल कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों प्रोसीड टू फॉर्म, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस खुल गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस न्यू बोर्ड डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम्स है, तो कैंडिडेट नेम्स दे देना है आपको, ठीक है। उसके नीचे में फादर्स नेम देना है, उसके नीचे मदर्स नेम दे देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ आपको है जेंडर है, जो मेल है मेल, फीमेल है फीमेल दे देना है, रिलीजियन है जिसका जो रिलीजियन है वो दे देना है। उसके बाद कैटेगरी श्रेणी, अगर आप BC 1-2 या SC ST जिसमें जो आते हैं उस हिसाब से देना है, तो अगर यहाँ पे BC 1 है तो BC 1 देना है। और उप कैटेगरी, ठीक है, अगर आप हैंडीकैप वगैरह नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल दे देना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और आप यहाँ पे दिख रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसको टिक कर देना है यस में, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र है, तो जो OBC है और वो BC 1 या और BC 2 है तो उसको इस जगह नो मारना है, ठीक है। जो SC ST होगा वो यस मारेगा इस जगह। तो आपके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS प्रमाण पत्र है तो नहीं देना है, जो BC 1 या BC 2 या OBC है, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट मांग रहे हैं, यहाँ पर स्टेट चुन लेना है जिसका जो स्टेट है दे देना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर ये ज़रूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अगर है तो अपना निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार तो होगा ही, इसको यस कर देना है। और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इस चेकबॉक्स में नीचे में आपको जो है पुट कर देना है, यहाँ पर इसका जो आधार बॉक्स नंबर हो ये दे देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके दिखा देना परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अपना यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, अपना परमानेंट एड्रेस में अपना जो पता है पूरा लिख देना है। उसके बाद आप पिन कोड है, पिन कोड दे देना है, यहाँ पिन कोड है, यहाँ राज्य स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। आप चाहे तो यहाँ पे CMH परमानेंट एड्रेस में क्लिक मार दीजिएगा तो पूरा जो है नीचे ऊपर का जैसा है वैसे नीचे भी आपका CMH हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे का साइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड साइन, तो आपको जो है इस प्रक्रिया के बाद फोटो और साइन को अपलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। तो आप फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो मैं भर रहा हूँ आप यहाँ देख सकते हैं पूरा चेकबॉक्स मेरा भरा हुआ है, जो ये सारी जानकारी देने के बाद आपको प्रोसीड टू फॉर्म में क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू स्टेटमेंट खुल गया है। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेटमेंट में ध्यान देना है, यहाँ आपको बोल रहा है फ़ोटो के लिए,
अब यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना अपलोड कर देना है और नीचे दिख रहा है कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक न्यू इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पे देखना है यहाँ क्या मांग रहा है। ठीक है, यहाँ आपका मांग रहा है हाई स्कूल मार्कशीट मांग रहा है, तो हाई स्कूल का जो मार्कशीट होगा उसको आपको जाके अपना अपलोड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको भी दिखा रहा हूँ। तो ये मार्कशीट मैंने देखिए अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे में आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जाके ब्राउज करना है, उसके बाद गैलरी से ओपन होगा और आपका जो इंटर का जो मार्कशीट होगा उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं अपना इंटर का भी जो है मार्कशीट अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो कॉलेज से अपना आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो नहीं लिए तो वो कॉलेज से ले लें। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे ब्राउज में जाना है। ठीक है, उसके बाद इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स मैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी जो है अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर मांग रहा है, नंबर दे देना है इस चेक बॉक्स में। उसके बाद माइग्रेशन डेट दे देना है। ठीक है, और आप नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जाति अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काम हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका जो है नीचे में हम जैसे बता रहे थे क्या EWS, इसको खाली छोड़ के उसके बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस खुल गया है। आपको यहाँ देना है क्या आप कहते हैं यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटर का स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन। तो इंटर में आपको आप किस सब्जेक्ट से इंटर किए हैं, अगर आप साइंस हैं तो यहाँ पे साइंस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पे पहले से जो भरा हुआ है ये तो पहले से आप भर दिए थे, यह तो रहेगा ही। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करें, नीचे में आपको कह रहा है क्या कहता है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, यानी कौन सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट का नाम देना है या मार्क्स देना है या मार्क्स ऑब्टेन यानी कितना मार्क्स प्राप्त किए, तो लाइन बाय लाइन आपको सबको एडजस्ट करके देना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट अगर इंटर में आप मैथ हैं तो पहला मैथ दीजिएगा, अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, तो मैं जैसे बायोलॉजी दे दिया हूँ। फुल नंबर 100 का है। ठीक है, और हम जितना ऑब्टेन किए हैं उतना आपको भर देना है यहाँ पे। अब दूसरा में अगर आप दे सकते हैं, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री दीजिए, 100 है फुल मार्क्स, और जितना ऑप्टेन किए वो ऑप्टेन दे देना है आपको। ठीक है, से नीचे स्क्रॉल करें, इस टाइप से आप जितना भी सब्जेक्ट है सबको फिल कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सारा सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन भर के जितना ऑप्टेन मार्क्स है सारा भर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप दिख रहे हैं क्या कहता है, आप ध्यान दें यहाँ पर ग्रेस मार्क्स ऑप्टेन, अगर आपको कोई ग्रेस मार्क्स आपको मिला है ठीक है तो इस कॉलम में आपको भर देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद नीचे में सेव एंड कंटिन्यू फॉर कोटा एप्लीकेशन, इसके लिए आपको क्लिक करना है। फिर तो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके मांगा है। ठीक है, ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका न्यू डैशबोर्ड खुल गया है। ठीक है, उसके बाद जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर उस कोर्स को ध्यान से भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ क्या क्या भरना है इसमें। यहाँ पर टाइप्स, ठीक है, ऑनर्स देना है। उसके बाद डिग्री है, जिस डिग्री के लिए आपको ऑनलाइन करना है वो डिग्री देना है, किस पेपर से आप डिग्री ऑनलाइन करोगे ऑनर्स करोगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप, आपको अपना सब्जेक्ट देना है किस सब्जेक्ट से आपको करना है वो देना है, और डिस्ट्रिक्ट देना है, और कॉलेज का नाम यहाँ पे ऐड करना है। तो ये सारा जानकारी आपको भरना है। तो मैं आपको देखना है किस तरह मैं भर रहा हूँ। टाइप्स में आप ऑनर्स दे सकते हैं, ठीक है, ऑनर्स कर रहे हैं तो। उसके बाद डिग्री है, डिग्री के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट से, आप जैसे साइंस से कीजिएगा या BSc कीजिएगा, जो चीज़ कीजिएगा आपको उस हिसाब से भरना है। अगर साइंस से करना है तो BSc, जैसे मैं BSc भर रहा हूँ, और मैं जूलॉजी से करना चाहता हूँ तो BSc जूलॉजी ऑनर्स में मार दिया क्लिक। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका जूलॉजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट करना है तो पूर्णिया के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी डिस्ट्रिक्ट। और कॉलेज,
सिलेक्ट ऑप्शन, कॉलेज का आपको नाम देना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारा कॉलेज, पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया मैं पहला दे रहा हूँ, आपको कम से कम मिनिमम 5 कॉलेज ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ ऐड में क्लिक करें, उसके लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद आप, और यहाँ पे आपका आ गया है, नहीं आप ऑनर्स स्वीक कीजिएगा, ये पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया है, यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम आ गया है, और यहाँ ऐड करना है, फिर ऐड में क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऐड हो गया है फ्रेंड्स, मैं कॉलेज का नाम यहाँ ऐड कर दिया हूँ, और नीचे आपको लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप इसको कॉलेज को चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ रिमूव में क्लिक करके आप कॉलेज को रिमूव करके दूसरा कॉलेज का भी नाम आप इसमें दे सकते हैं। तो मैं ये इसी कॉलेज को रहने देता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू इंटरफेस खुला, और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में कुछ कह रहा है कि यू मस्ट सेलेक्ट ए मिनिमम ऑफ 5 कॉलेज कोर्स फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको कम से कम 5 कॉलेज का नाम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे जाना है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट आपको जो अगर पूर्णिया लेना है तो पूर्णिया ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज नाम है, अगर आप दूसरा एम एल आर या कॉलेज का सुबह देना चाहते हैं ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड में क्लिक करना है, ठीक है, ये ऐड हो गया। फिर आप उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कीजिए, अगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं कटिहार दे दीजिए, फिर कॉलेज का नाम है, ठीक है, अगर डीएस कॉलेज कटिहार है तो कटिहार कर दीजिए, ये तीसरा हो गया, फिर ऐड कर देना है, इस तरह से तीसरा हो गया है, ठीक है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जाना है, अगर आप फिर पूर्णिया के लिए करना चाहते हैं पूर्णिया दे दीजिए, आपको जिसके हिसाब से आपको जो मर्जी है उस हिसाब से देना है। कॉलेज का नाम है आपको, या जे एल एम कॉलेज मनमन की यहाँ दे दिया हूँ, फिर ऐड में क्लिक करना है, 4 हो गया, ठीक है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अगर आप किशनगंज में करना चाहते हैं किशनगंज दे दीजिए, कॉलेज का नाम देना चाहते हैं मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज तो ये दे दीजिए, इस पर ऐड में क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से मिनिमम आप अपने हिसाब से आपको जो जो आपके मुताबिक सही लगेगा, ठीक है, उस कॉलेज को आपको एटलीस्ट 5 कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट कर देना है, और आपको जिस कॉलेज के लिए आप पहला इच्छुक हैं पहला नंबर में उस कॉलेज को रहने देना है, जिसको आपको पूरी तरह से चांस है किसी कॉलेज में करना है, तो पहला कॉलेज आपको पहला नंबर पर देना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू होगा, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक न्यू डैशबोर्ड खुल गया है, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊँ क्या लिखा हुआ है। योर एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है, आपका पूरी तरह से लगभग फिनिश्ड हो गया है। प्लीज़ मेक द पेमेंट ऑर्डर टू स्टार्ट इन प्रोसेस, आपको पेमेंट करना होगा तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस को। और पेमेंट में क्या क्या क्राइटेरिया है आपको देखना है, अगर आप RS 600 रुपया, ठीक है, और अगर OBC BC1 BC2 है उसको 600 रुपया लगेगा, और SC ST अदरवाइज जो SC ST है उसको 300 रुपया ही चार्ज देना पड़ता है। ये आपको यहाँ पर पूरा इंटरफेस में दिख रहा है ये, ठीक है। और आपका जो मोबाइल में पासवर्ड गया था लिखा हुआ ऑलरेडी सेंट योर पासवर्ड, यानी आप जब मोबाइल नंबर अपना दिए थे उसमें पासवर्ड गया होगा, ये पासवर्ड को यहाँ पे अपना क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे में क्लिक करना है, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ, और प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे में क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया हूँ। इस तरह फ्रेंड्स आपका न्यू इंटरफेस खुल गया है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड भी ATM पिन है, नेट बैंकिंग है, उसके बाद UPI है, वैलेट है। जिस मेथड से आपको पेमेंट करने के लिए आसान होगा उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, ठीक है, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो इसके लिए आपको करना है क्या है, डेबिट कार्ड नंबर मांगना है, यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर दे देना है, CVV नंबर दे देना है, नेम ऑफ कार्ड दे देना है, बैंक नेम दे देना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोबारा डाल के इसको पे नाउ में क्लिक कर देना फ्रेंड्स, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो अभी मेरे पास सुविधा नहीं है इसलिए मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्म BA BSc BCOM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना सभी छात्रों में, ताकि सभी इसका लाभ ले सके। थैंक यू।